দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, जो नंदीग्राम में पर्चा भरने के बाद कोलकाता वापस जा रही हैं और उस वक्त उन्होंने ये दावा किया है कि किसी ने उन्हें धक्का दिया और वो घायल हुई हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के, ममता बनर्जी के ऊपर ये उनका आरोप है कि हमला हुआ है और वो घायल भी हुई है। चुनाव जैसे जैसे बंगाल में करीब आ रहे हैं, हिंसा की खबरें भी आई हैं और ये नंदीग्राम की खबर है। नंदीग्राम जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कुछ समय पहले तक नंदीग्राम से ही टीएमसी से ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने छोड़कर ये पार्टी अब बीजेपी का दामन थामा है और यहाँ से वो ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। बल्कि लगातार चूंकि ये उनका गढ़ रहा है, गेटिंग हर आउट ऑफ द फ्रंट सीट, शी कुडंट इवन गेट आउट हरसेल्फ एंड देन मेकिंग अ लाई डाउन ऑन द मिडिल सीट ऑफ द कार। द चीफ मिनिस्टर्स कॉन्वॉय हैज जस्ट लेफ्ट फॉर कोलकाता बाय रोड नाउ एंड दैट्स द लेटेस्ट वी हैव ऑन दिस। It happened right here. The chief minister spoke to the media right here just a short while ago. In fact, you know, we were expecting some sort of comment, but it turns out that there was some sort of incident in which she was attacked. And, you know, we'll have to hear her soundbite in detail to see exactly what happened, but it seems to have happened on the way out of the temple, and she seems to be weak and unable to sort of move around on her own. In fact, her security in charge had to lift her out of the front seat and put her in the back, you know, in the back seat, in the middle seat. These visuals are there of her being lifted out from the front seat. She usually sits, you know, on the left side in the front seat. Then, of course, that's what the position was. And, you know, this is what, of course, is the latest that we have here from here now. We'll have to just hear her bite to see what exactly happened and what else she has said. But she did give a fairly long, you know, of about a minute or so, you know, on exactly what had happened, because once we saw her in that kind of state where she wasn't really sort of, you know, usually, you know, she's one who's always alert and one who's always sort of looking out of the window, but she seemed to have, you know, sort of, you know, been in some kind of, you know, uncomfortable state where she was putting her head back, and that's when we sort of approached her for a soundbite. To see what exactly happened, and you know, and then she did share some details. We'll have to hear her, you know, soundbite to see what exactly happened. What we have been told, though, and what I confirmed with one of her security. योगी सौरभ ये जानकारी दे रहे थे। इस समय ममता बनर्जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने कि उन्हें किसी ने धक्का दिया और शायद, जैसा सौरभ बता रहे हैं कि अभी पूरी बात सुननी होगी, लेकिन वो मंदिर से बाहर निकल रही थी, जब अपने गाड़ी में वो बैठ रही थी उस वक्त उन्हें किसी ने धक्का दिया और उनके पैर में चोट आई है। यहां तक कि उनके सुरक्षा अधिकारियों को उन्हें उठाकर आगे की सीट से बीच की सीट पर गाड़ी में बिठाना पड़ा है और ये कहा जा रहा है अब वो बंगाल में नंदीग्राम में पर्चा भरने गई थी और नंदीग्राम से वो कोलकाता वापस लौट रही थी, जिस दौरान ये हुआ है, ये घटना हुई है। ममता बनर्जी का आरोप है कि ये उनके ऊपर हमला है, किसी ने उन्हें धक्का दिया है। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, जो नंदीग्राम में पर्चा भरने के बाद कोलकाता वापस जा रही हैं और उस वक्त उन्होंने ये दावा किया है कि किसी ने उन्हें धक्का दिया और वो घायल हुई हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के, ममता बनर्जी के ऊपर ये उनका आरोप है कि हमला हुआ है और वो घायल भी हुई है। चुनाव जैसे जैसे बंगाल में करीब आ रहे हैं, हिंसा की खबरें भी आई हैं और ये नंदीग्राम की खबर है।
नंदीग्राम जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, यहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी हैं जो कुछ समय पहले तक नंदीग्राम से ही टीएमसी से ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने छोड़कर ये पार्टी अब बीजेपी का दामन थामा है और यहां से वो ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं, बल्कि लगातार चूंकि ये उनका गढ़ रहा है। And then making a lie down on the middle seat of the car. The Chief Minister's convoy has just left for Kolkata by road now. And that's the latest we have on this. It happened right here. The Chief Minister spoke to the media right here just a short while ago. In fact, you know, we were expecting some sort of comment. But it turns out that there was some sort of incident in which she was attacked. And, you know, we'll have to hear her soundbite in detail. To see exactly what happened, but it seems to have happened on the way out of the temple, and she seems to be weak and unable to sort of move around on her own. In fact, her security in charge had to lift her out of the front seat and put her in the back, you know, in the back seat, in the middle seat. These visuals are there of her being lifted out from the front seat. She usually sits, you know, on the left side in the front seat, then of course she was, that's what the position was, and you know, this is what of course is the latest that we have here from here now. We'll have to just hear her bite to see what exactly happened and what has she has said, but she did give a fairly long you know, of about a minute or so, you know, on exactly what had happened, because once we saw her in that kind of state where she wasn't really sort of, you know, usually, you know, she's one who's always alert and one who's always sort of looking out of the window, but she seemed to have, you know, sort of, you know, been in some kind of, you know, uncomfortable state where she was putting her head back, and that's when we sort of approached her for a soundbite to see what exactly happened. And you know, and then she did give share some details. We'll have to hear her, you know, soundbite to see what exactly happened. What we have been told, though, and what I confirmed with one of her security. योगी सौरभ ये जानकारी दे रहे थे। इस समय ममता बनर्जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने कि उन्हें किसी ने धक्का दिया, और शायद जैसा सौरभ बता रहे हैं कि अभी पूरी बात सुननी होगी, लेकिन वो मंदिर से बाहर निकल रही थी, जब अपने गाड़ी में वो बैठ रही थी उस वक्त उन्हें किसी ने धक्का दिया और उनके पैर में चोट आई है, यहां तक कि उनके सुरक्षा अधिकारियों को उन्हें उठाकर आगे की सीट से बीच की सीट पर गाड़ी में बिठाना पड़ा है। और ये कहा जा रहा है अब वो बंगाल में नंदीग्राम में पर्चा भरने गई थी और नंदीग्राम से वो कोलकाता वापस लौट रही थी, जिस दौरान ये हुआ है, ये घटना हुई है। जो ममता बनर्जी का आरोप है कि ये उनके ऊपर हमला है, किसी ने उन्हें धक्का दिया है। দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত করা হয়েছে? দিদি ইচ্ছাকৃত, দিদি আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी की, जो नंदीग्राम में पर्चा भरने के बाद कोलकाता वापस जा रही हैं, और उस वक्त उन्होंने ये दावा किया है कि किसी ने उन्हें धक्का दिया और वो घायल हुई हैं। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है ब्रेकिंग न्यूज के, ममता बनर्जी के ऊपर ये उनका आरोप है कि हमला हुआ है और वो घायल भी हुई है। चुनाव जैसे जैसे बंगाल में करीब आ रहे हैं, हिंसा की खबरें भी आई हैं, और ये नंदीग्राम की खबर है। नंदीग्राम जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु